जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों आज का पंचांग। दोस्तों आज है दिनांक 2 मई 2020, शनिवार का दिन है। विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942, गुजराती संवत 2076। आमांत महीना वैशाख का, पूर्णिमांत महीना भी वैशाख का, शुक्ल पक्ष चल रहा है, लूनर मास है चंद्रमास, और आज की तिथि है नवमी तिथि जो कि 11:35 तक रहेगी, यानी कि 12 बजे के पहले तक ही उसके बाद में दशमी तिथि जो वो स्टार्ट हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो मघा नक्षत्र रात को 11:40 तक रहेगा। वृद्धि योग बन रहा है जो कि 3:19 तक रहेगा। दिशाशूल जो है वो पूर्व का है। अभिजीत मुहूर्त है वो 12:06 से 12:57 का है और अभी चल रहा है उत्तरायण। और दोस्तों शुभ समय की बात करें तो अमृत काल का जो मुहूर्त है वो रात को 9:25 से रात को 10:55 का है। विजय मुहूर्त दोपहर में 2:40 से 3:31 का है। गोधूलि मुहूर्त जो है वो शाम को 6:42 से लेकर 7:06 तक का है। सायान संध्या काल शाम को 6:55 से रात को 8:02 का है। निशित मुहूर्त की बात करें तो रात को 12:09 से लेकर 12:54 तक का है। रवि योग पूरे दिन ही बन रहा है। अशुभ मुहूर्त की बात करें तो राहु काल जो है वो सुबह 9:20 से लेकर 10:56 तक का है। गुलिल काल जो है वो सुबह में 6:09 से लेकर 7:44 तक रहेगा। यमगण काल जो है वो दोपहर में 2:08 से 3:43 तक है। दुर्मुहूर्त जो है वो सुबह में ही है दोनों, पहला जो है वो सुबह 6:09 से लेकर 7 बजे तक का है और दूसरा 7:51 का, यानी कि सुबह 6:09 से लेकर 7:51 तक जो है वो दुर्मुहूर्त ही रहेगा। वर्जित मुहूर्त की बात करें तो दोपहर में 12:23 से लेकर 1:53 तक जो है वो अशुभ मुहूर्त रहेगा। दोस्तों इसके अलावा आपको पंचांग में और कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर से बताएं। इसके साथ ही दोस्तों बहुत से घरों के मेन गेट पर गणपति जी की, विनायक जी की तस्वीर या मूर्ति जो स्थापित की जाती है, दोस्तों शायद आप नहीं जानते ये बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न करता है। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो शेयर किया है दोस्तों, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर से देखें। दोस्तों अगर आपके घर के मेन गेट पर भी गणपति हैं तो हो जाएं सावधान। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों चैनल को जो है आपने अधिक से अधिक शेयर करना ताकि पंचांग या वास्तु से रिलेटेड किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो तुरंत ही मिल सके। तो हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए और शेयर करते रहिए। जय श्री कृष्णा।